मैं सोनू बदमाश अपनी शॉपिंग पूरी कर कर निकल चुका था देहरादून की ओर। देहरादून जाते जाते मुझको बहुत अच्छे अच्छे दृश्य देखने को मिले, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर मैं सीधा पहुंच गया बुद्धा टेम्पल। बुद्धा टेम्पल मुझे कुछ खास नहीं लगा, बट फैमिली मैटर होने के कारण मैं अपने फैमिली के साथ खूब इंजॉय करने लगा। इधर उधर देखता और भागता और दौड़ता, पर मुझे ये सब घूमना बहुत अच्छा लगा। फिर अपनी 2 फुट हाइट और 2 इंच के पैर को लेके मैं पहिया पहिया अपने मम्मी पापा का साथ देते हुए मैं सीधा नीचे उतर गया। मेरे इस जोश को देखकर मेरे भाई में एक उमंग जागी और वो तेज तेज दौड़कर अपने कल रात का जो खाना था वह पचाने लगा। फिर मैं सीधा निकल गया था हरिद्वार की ओर गंगा नहाने। FRI में मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने खूब मौज मस्ती करी। वहां पहुंचकर मैंने सोचा कि अपने कुछ पाप धोए जाएं, तो मैं सीधा अपना 4 दिन पुराना डायपर पहनकर सीधा ठंडे ठंडे गंगा जी में अपने पैर डाल के खुशी से झूम उठा। मेरे साथ पिक्कू भैया भी थे और मुझे यहाँ पर खूब अच्छा लगा और मेरे सारे पाप उतर गए। रात को फिर हम लोग निकल गए अपने होटल की ओर। वहाँ मैंने अपने पापा से एक बहुत महंगा 300 रुपये का एक स्पाइडरमैन लिया। उसको मैंने रात भर ट्रेन किया ताकि बुरे वक्त आने पर वो मेरा साथ दे सके। मैं पूरी रात इसके साथ खेलता रहा और बोला कि भाई अगर कभी ज़रूरत हो तो मुझे बचा लेना। दिन भर की थकान के बाद माँ बाप के साथ प्रॉपर्टी की बहस हो गई, जिस कारण मुझे एक भी हिस्सा नहीं मिला और मैं अपना सिर मैंने ज़मीन में दे मारा। दुख इस बात का था कि जिस स्पाइडरमैन को मैंने ट्रेन किया उसने मेरा भी साथ नहीं दिया। रात भर पिटाई होने के बाद फिर मैं निकल गया एक बार फिर दोबारा गंगा जी की ओर, क्योंकि रात भर पिटा था और अब मुझे गंगा जी में थोड़ा नहाना था। अरे पर ये क्या, ये तो गंगा जी लगी नहीं रही है, ये तो बिल्कुल मुझे कोल्ड कॉफ़ी जैसी लग रही है, ठंडी ठंडी कोल्ड कोल्ड कॉफ़ी। अब मैं थोड़ा परेशान हो गया था इन सबको देख के, तो मैं सीधा चला गया पार्किंग लॉट। वहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी, गाड़ी घुमाई और सीधा मैं ले गया उसे अपने आंटी के घर सहारनपुर। यह सफ़र देहरादून हरिद्वार का मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे मैंने खूब खाया पिया, खूब खेला, रात भर खूब मेरी पिटाई हुई, पर स्पाइडरमैन ने मेरा साथ ना दिया। इस बात का मुझे आज भी दुख है। और हम लोग सीधा मुस्कुराते हुए आंटी के पास चले गए। थकान होने के कारण आंटी ने वही अपना पुराना गेम चालू रखा। कुछ मज़ेदार था, कुछ नया था, बट खेल के मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा मैं मुस्कुराया, बट अब शायद मुझे थोड़ा सा कुछ बोरिंग लगने लग गया था। अब मैंने सीधा अपना फोन उठाया और अपने कुछ पुराने पल देखने लग गया। सोनू, ये कौन है? सोनू ये क्या है, सोनू ये क्या है? सोनू, बताओ ये और कौन मेरी है? प्यारी मुस्कुरान, ये क्या कर मेरे रहा प्यारे डांस को देखने लगी। ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है, लोग मेरे साथ सेल्फी क्लिक कराते लगते हैं। फिर दिन खत्म होने लग गया था, पापा और भैया पिक्चर देखने लग गए, और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को खत्म कर रहा हूँ। हर हर महादेव, जय श्री राम।